हाँ जी, गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग कर्व, लर्न टुडे फॉर अ बैटर टुमारो। जिस तरह कि तुहानू सारे नू पता ही है कि आपां पटवारी दा जिहड़ा की है फ्री बैच चला रहे हाँ, तां इहदे विच अपना अज दूसरा हफ्ता बैच तां पूरा होण जा रहा, ठीक है जी। ते कल नू तुहाडा टैसट होएगा। आपां जिस तरह कि तुहानू दस्सिया कि हर वीक आपां टैसट कंडक्ट करिया करांगे। एंड एक चीज़ होर कि मैं पिछले पिछले कंप्यूटर दे लैक्चर 'च वी तुहानू कहा सी कि फीस तुहाडी पेंडिंग है। कई बच्चों को लग्या कि शायद इन्होंने कोर्स पेड करता जाए, कोर्स पेड नहीं है, फीस साड़ी शेयरिंग वाली पेंडिंग सी, ठीक है जी। तो वो फीस हाले भी तुसी जमा नहीं करवाई बिल्कुल भी, ठीक है जी। पॉजिटिव ग्रोथ होने के बदले जी कि नैगेटिव ग्रोथ हो रही है, तुसी देख ही सकते हो, ठीक है जी। तो तुसी आपकी शेयरिंग वाली फीस है जी जमा कराओ। तो आप पढ़ रहे थे पंजाबी व्याकरण, तो पंजाबी व्याकरण के आप लगाखर तक पढ़ चुके थे, तो अज आप सुर धुनिया व्यंजन धुनिया बारे पढ़ा, ठीक है जी। तो मैं तुहानू कहा सीगा कि तुसी पंजाबी दी जिहड़ी वर्णमाला है वह तुसी पूरी याद करनी है, तो मैं पूरी मैनू उम्मीद है कि तुसी याद कीती होएगी। तो आपां शुरू करने हैं सुर धुनिया। लो जी, सुर धुनिया। सुर धुनिया कैड़ियां होंदियां हैं जिन्हां नू उच्चारण वेले हवा बेरोक मूंह विचों बाहर आउंदी है। हवा बेरोक मुंह विचों बाहर आती है। उदाहरण लई जिवें ऐड़ा ऐड़े नूं कन्ना की बनिया आ, जदों आपां ये धुनी उचारने आ आ तां हवा बिल्कुल भी मुंह विचों मतलब कि रुकती नहीं ना, बिल्कुल कोई जीव की मूवमेंट होंदी है तां हवा बिल्कुल भी जिहड़ी बिना रुके ही बाहर आ जाती है। दूसरी उदाहरण आप देखा जिमें जिस तरह देख लो ई, तो इन उच्चारण वेले भी हवा बिल्कुल रुकी नहीं, बेरोक ही मूँह विचों बाहर आ गई। तो सुर धुनिया के वगू दूजिया धुनिया जी अपने को ने अपने को व्यंजन धुनिया। व्यंजन धुनिया हूँ व्यंजन धुनिया कि ने जिन्ह धुनिया उच्चारण वेले हवा मूँह विचों रुक के रगड़ खा के या घसर के बाहर आती है, उन्होंने आप व्यंजन धुनिया कहने। आप लिख देंगे हवा रुक के जां रगड़ खा के बाहर आती है। फॉर एग्जाम्पल जिस आप पढ़ना है कक्का, तो कक्के आप कहना क, तो जो आप क बोलते हैं तो हवा जी की है थोड़ी जी रगड़ खा के जी कि कंठ विचों बाहर आती है, तो उदो आप व्यंजन धुनिया के आ जाते हैं। कक्का जमें चचा है जिमें आप चा भी टैंका जो आप बोलते हैं टा, जिदा कि जीभ की मूवमेंट होंगी है, तो यह जड़िया धुनिया ऊड़ा ऐड़ा तो ईड़ी, ये तीन अपने को सुर धुनिया। बाकी सस्से तो लैके लल्ले पैर बिंदी तक सारिया ही अपने को व्यंजन आ जाए, ठीक है। अगे आप होर क्लासीफिकेशन व्यंजन धुनिया की जी पढ़ने तो आप करने शुरू। सब तो पहला अपने को मुढ़ला वर्ग। मुढ़ला मतलब कि अपने को बेसिक वर्ग है जिहड़ा ऊड़ा ऐड़ा ईड़ी सस्सा तिहा। हुण इहदे चों ऊड़ा ऐड़ा ते ईड़ी इन्हां बारे मैं तुहानूं दस्सदा, ये की ने अपने को सुर धुनिया या स्वर धुनिया सुर धुनिया, ठीक है। सस्सा ते हाहा ये अपने को दोवें व्यंजन ने। हाहे नूं आपां कहिंदे आ अंतमक धुनी जां सुरयंत्री। अंतमक धुनी जां सुरयंत्री। इस तरीके अपने कोले दूसरा अपने कोले क वर्ग। क वर्ग जिहदा अपने कोले कक्का खखा गग्गा घग्गा ते अंगा, ठीक है जी। ये अपने को जो इन्हों का उच्चारण करते हैं आप
तो जी आवाज़ है वो कंठ चो बाहर आती है सीधी, ठीक है जी, साउंड बॉक्स चो सीधी बाहर आती है, तो इन आप कह दें कंठी ध्वनि, कंठी व्यंजन। जिहड़े तरीके नाल हवा की मूवमेंट है या मूँह दे विच जीभ की या दंदां की जो इंटरैक्शन होएगी या जीभ की जो मूवमेंट होएगी उन्हां दे बेस ते ही जिहड़े कि व्यंजन है इन्हां दी क्लासीफिकेशन की गई है। क वर्ग तो बाद जिद्दां च वर्ग, चचा, छछा, जज्जा, झज्जा, तो यही हैं चचा, छछा, जज्जा, झज्जा, तो यही हैं। जदों इन्हां नूं आपां उच्चारण करते हाँ तो जिहड़ी जीभ है वह तालू नाल छूंदी अपनी, तो इन्हां कोल अपने कोल ये आ गए तालवी व्यंजन। ठीक है जी, ठीक है जी। मुढ़ले वर्ग के अपने को ले तीन ऊड़ा, ऐड़ा, ते ईड़ी, तीन सुर धुनियां। सस्सा अपने को जी ऊषम धुनि, इन आप ऊषम धुनि कहने, ऊषम धुनि। हा हा अंतमक धुनि, यह आ गया अपने को मुढ़ला वर्ग। फिर क वर्ग, कक्का, खखा, गग्गा, कग्गा, अंगा, यह अपने को है कंठी व्यंजन। फिर च वर्ग, चचा, छछा, जज्जा, झज्जा, यही हाँ, यह अपने को तालवी व्यंजन कहते इन्हों। अगला अपने को नोट कर लो, आप उस तो बाद अगला देखते हैं। ट वर्ग, टैंका, ठठा, डड्डा, ढड्डा, ते नाना, इन्हों जो आप उच्चारण करते हैं तां जीभ है जिहड़ी वो अपने कोले उल्ट जांदी है। एक वारी ना देखो, टैंका तुसीं उच्चारण करके देखो, ठठा, डड्डा, ढड्डा, नाना, तां जीभ दी जिहड़ी पोजिशन है जीभ मूंह दे विच थोड़ी जी जिहदा उल्ट हो जाती है, तां इहनां नूं आपां कहांगे उल्ट जीभी व्यंजन। उल्ट जीभी व्यंजन। अगला अपने कोले त वर्ग, तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा, ते नन्ना। जो आप इन्हों का उच्चारण करते हैं तो जीभ है जिहड़ी वह दंदां दे अंदरले पासे छूंदी है, तत्ता, थत्था, दद्दा, धद्दा, ते नन्ना, तो यह अपने कोले ने दंती व्यंजन। दंती व्यंजन। अगला अपने को प वर्ग, बिल्कुल ईजी है, सारिया चीज़ें तुम याद कर लेनिया पेपर के इतों क्वेश्चन बन सकता है, अपन कोई भी तुम्हें देखे तो पूछ सकता है भी ये किहड़ी कैटेगरी के आता है, दंती व्यंजन है, उल्ट जीभी व्यंजन है या तालवी व्यंजन है। ठीक है जी, प वर्ग के अपने को पप्पा, फफा, बब्बा, भब्बा, तो मम्मा। जो आप इन्हों का उच्चारण करते हैं तो तुम एक चीज़ नोट करोगे, जेडे बुल ने होठ ने जोड़े वो अपने जुड़ते हैं, पप्पा, फफा, बब्बा, भब्बा, ते मम्मा, तो यह अपने कोले ने होठी व्यंजन। ठीक है जी, होठी व्यंजन। ठीक है, ये तुसी नोट कर लो, नैक्सट करते हैं आप। फिर अगला अपने को अंतला वर्ग, यैया, रारा, लल्ला, वावा, ते डाड़ा। हुण इहदे विच्चों रारा जिहड़ा यह हैगा अपने को कां बवां व्यंजन। कां बवां व्यंजन। ठीक है जी, अंदर जरा राड़ा अपने को राड़े आप कहने फड़कवा व्यंजन। ठीक है जी, वाहवा, यैया,
इन्हों दोवों आप कहने अर्ध स्वर। अर्ध स्वर आप इन्हों क्यों कहने ये भी आप देखते हैं। यया अते वावा इन्हें अपने को दोवें अर्ध स्वर। ठीक है जी, जो आप इन्हों की कई जगह पर वरतों करते हैं तो उत्थे ये है तो व्यंजन धुनिया पर स्वर वांगू भी काम करते हैं। जिस तरह आप देखते हैं ज्ञानी, मान लो आप इस तरह लिखना ज्ञानी लिखता। ठीक है, भावें आप इन इस तरह लिख दिए ज्ञानी। हुण आप दोवें लिखे तो दोवें ज्ञानी ही है, पर जिहड़ा इन्हां दा उच्चारण है वह बिल्कुल सेम है। इत्थे आपां यया वरत्या, इत्थे आपां ऐड़ा वरत्या। इस करके जदों अपने कोल यया है कई जगह पर स्वर वांगू जिहड़ा की है काम करता, तां इहनूं आपां कहिंदे आ अर्ध स्वर। इवें आपां वावे दी उदाहरण देखदे हां, मान लो आपां लिखना स्वामी स्वामी, तां चाहे इहनूं इस तरह लिख लो स्वामी। ठीक है जी, दोवां दा उच्चारण बिल्कुल इक्को जिहा, स्वामी स्वामी। तो ये अपने को यया ते वावा इन्हों आप कहने अर्ध स्वर। लल्ले आप अगे देखते हैं, जो आप नवीन वर्ग न पढ़ना अगला अपने को नवीन वर्ग। ये जड़ा वर्ग है ये फारसी भाषा के प्रभाव हेठ, क्योंकि फारसी अपने पंजाब की पहला ऑफिशियल लैंग्वेज रह चुकी है, तो उदों महाराजा रणजीत सिंह के टाइम पर, तो उस तो बाद जिहड़े कई सारे वर्ड ने, कई सारे जिहड़े शब्द ने वो फारसी दे आपां पंजाबी भाषा दे विच इनकलूड हो गए। तो जो उन्होंने आपां लिखना है तो उन्होंने दर्शाउण लई स्पैशल धुनिया जिहड़ियां कि कुछ बनाईआं गईआं, पंज धुनिया वो बनाईआं गईआं, तो एक धुनी लल्ले पैर बिंदी जिहड़ी भाषा विभाग पंजाबी तो एक नवीं धुनी जिहड़ी कि खोज कीती गई, जिहड़ी लल्ले दी जिहड़ी कि है सॉफ्ट आवाज़ नूं दर्शाउंदी है, तो वो लल्ले दे पैर च बिंदी ला के दर्शा दित्ती गई। तो इत्थे अपने कोल छे अक्खर ने, ठीक है जी, अपने को फारसी भाषा के प्रभाव हेठ ऐड किए गए। अपने को भाषा विभाग वालों हम जरा लल्ले पैर बिंदी ते लल्ला इन्हों आप कहने पासेदार धुनिया। ठीक है जी, पासेदार धुनिया, तो ये चीज़ा तुसी नोट कर दो सारिया चंगी तरह। हुण एक चीज़ जिहड़ी होर नोट करने वाली है, ये अक्खर पांच अक्खर नोट कर लो। अजोकी पंजाबी भाषा जो आप लिखते हाँ तो इन्हों पंजा अक्खर तो कोई भी शब्द जिहड़ा की है कोई भी शब्द नहीं बन सकता, मतलब कि शुरुआत दे विच आपां कभी भी इन्हों पंजा अक्खर नूं इन्हों पंजा अक्खर की वरतों नहीं करांगे। अंगा यईआं नाणा राड़ा ते लल्ले पैर बिंदी ल। ठीक है जी, तो इस तों इलावा पंज धुनिया ए इन्हों आप कहने अनुनासिकी व्यंजन। तो नासिकी व्यंजन भी कह दें, भावें कला नासिकी व्यंजन या अनुनासिकी व्यंजन जो भी कह सकते इन्हों आप। सीधा क्वेश्चन अपने को पेपर के इतों आता, बहुत बहुत पेपर के इतों क्वेश्चन आया होंगे भी इन्हों चों कि धुनिया जिहड़ियां की हैं अनुनासिकी व्यंजन ने, या ये धुनिया कि कैटेगरी आदि तो अनुनासिकी व्यंजन। अंगा यईआं नन्ना नाणा ते मम्मा। ठीक है जी, ये चीज़ तुसी नोट कर लो।
अगले हम अपने को ले दो तखर, दो तखर, दो तखर कहड़े होंगे है जेडे कि दूजे शब्दों के पैर च पैके वरते जान। जिमें अपने को पंजाबी दे विच तीन दो तखर ने, एक रारे रारा वाहवा ते हा हा। किस तरह वरतदे नानू रारे नू आपां पैर दे विच कुछ इस तरह इस तरीके नाल पाउने आ, वावे नू छोटा जिहा वाहवा उहदे पैर च पै जांदा ते हा हा बिल्कुल ही छोटा जिहा इस तरह एवें पै जांदा। जिवें आपां उदाहरण देखदे हां, प्रेम पप्पा, पप्पे दे पैर च रारा पिया लां ते मम्मा, ये बन के अपने कोले प्रेम। इत्थे रारा की अपने कोले आ दो तखर, ठीक है जी। जिहड़े अखर दूजे अखरां दे पैर च पै के वरते जाण उन्हां नू आपां दो तखर कहने आ। वावा, वावे की वरतों किवें करदे आ, जिवें आपां स्वैमान, स्वैमान अपने कोले, सॉरी स्वैमान इत्थे आपां वावे की वरतों कर ली। हाहे की वरतों जिवें लिखांगे आपां चंडीगढ़, चंडीगढ़, ठीक है जी। ये अपने कोले हो गए दो तखर। धुनी बोध इत्थे अपना खत्म हो जाता, तो हुण आपां अगे जिहड़ा की है शब्द बोध शुरू करना, तो आ कर लो तुसीं नोट ते आपां शब्द बोध शुरू करते हैं। ठीक है जी, अगला पार्ट है अपना धुनी बोध अपना खत्म हो गया, हुण आपां शुरू करन लगे हां शब्द बोध। शब्द बोध सब तो पहला आप देखते हैं शब्द की होंदा। धुनिया दे इकट्ठ नूं शब्द कहा जांदा, धुनिया दे इकट्ठ नूं शब्द कहिंदे हन। जिवें कि आपां धुनिया च पढ़िया सीगा, जिवें कोई भी है मान लो कला आपां देख लईए शशा बब्बा दद्दा, ये अपने कोले धुनिया ने। जदों धुनिया नूं इकट्ठा करता तो अपने कोले शब्द बन गया, ठीक है जी। धुनिया दे इकट्ठ नूं शब्द कहा जांदा। हुण अपने कोले शब्द दो तरह दे ने, सार्थक अते निरार्थक, सार्थक ते निरार्थक। सार्थक ने जिन्हां दा कोई अर्थ हुंदा ते निरार्थक ने जिन्हां दा कोई अर्थ नहीं हुंदा, ठीक है जी। सार्थक ते निरार्थक। हुण आपां शब्द नूं अठ श्रेणियां दे विच वंडदे आं। कि अठ श्रेणियां शब्द दियां, सब तो पहला अपने कोल है नाम, फिर है पड़नाम, विशेषण, किरिया, किरिया विशेषण, संबंधक, योजक, अठवां अपने को विस्मिक, ठीक है जी। शब्द धुनिया के इकट्ठ नूं शब्द कहा जाता है, दो तरह के है सार्थक ते निरार्थक। सार्थक जिन्हों का अर्थ है, निरार्थक जिन्हों का कोई अर्थ नहीं है। फिर आपां नूं अठ शब्द श्रेणियों के वंड दें, नाम पड़नाम विशेषण किरिया, किरिया विशेषण संबंधक योजक ते विस्मिक। हुण आपां शब्द बोध दे विच इन्हां अठ श्रेणियों बारे ही पढ़ना है, तो जिहड़ा पेपर भी है पेपर ये चीज़ों तो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि क्वेश्चन इतों बनते हैं, नाम तो पड़नाम तो विशेषण तो, फिर नाम के अपने को कारक आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इतों क्वेश्चन अपने को बनते हैं, तो तुम कर लो नोट। तो आप शुरू करते हैं इतों।
हुण आपां शब्द नूं दो होर तरीके नाल वंड सकते हैं। पहले अपने कोले विकारी, दूजे अपने कोले अविकारी। विकारी जड़े आ, विकारी शब्द किन्हां नूं कहिंदे आ, जिहड़े लिंग वचन अते कारक दे अनुसार रूप वटाउन, जिहड़े रूप वटा लैंदे उन्हां नूं आपां विकारी शब्द, ते अविकारी जिहड़े ना अपना लिंग वचन अते कारक दे अनुसार रूप नहीं वटाउंदे। ठीक है जी, विकारी ते अविकारी। हुण आपां इहनां नूं एक उदाहरण नाल समझदे हां। जिवें आपां अविकारी दे एक उदाहरण लैंदे हां, जिवें ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਲਿੰਗ ਨਾਲ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੁਰਖਵਾਚਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵਰਤਿਆ ਅਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਸਤਰੀਵਾਚਕ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਵਰਤਿਆ। ਤਾਂ ਤੇਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਲਿੰਗ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਟਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇਜ਼ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਇਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖ ਲਓ। ਮੰਨ ਲਓ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਲਓ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਤੋਂ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਬੱਚੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਲਿੰਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਵਟਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬੱਚੀ, ਫਿਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰੂਪ ਵਟਾ ਦਿਉ, ਬੱਚੀ ਦਾ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਅਤੇ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਵਟਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਹੜੇ ਲਿੰਗ ਵਚਨ ਅਤੇ ਕਾਰਕ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਵਟਾਉਂਦੇ ਉਹ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ। ਆ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਵਿਕਾਰੀ ਅਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵਿਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਚਲੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਅਤੇ ਪੜਨਾਮ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਅਗਲੇ ਲੈਕਚਰ ਵਿੱਚ ਕਵਰ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕੁਸ਼ਚਨ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਚੈਨਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਰੱਬ ਰੱਖਾ।